हम लोग जो है आगे करते हैं। उस दिन हमने क्वेश्चन जो है कर रहे थे और हमने एक स्टेप कर लिया था कैलकुलेशंस का, एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज का हम बेटा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, आपको याद हो तो एक्स मैंने जो है वो साइन क्यूब टी ओवर रूट कॉस 2t दिया, और वाई की वैल्यू मैंने बेटा कॉस 3t ओवर रूट कॉस 2t ही लिया था हमने उस दिन बेटा। डी एक्स वाई डी टी कैलकुलेट कर रही थी, मैंने आंसर नोट कर लिया था, मैं सेम आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ कैलकुलेशंस करके ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। मेरे पास जो आंसर बना था बेटा तब डी एक्स वाई डी टी का कॉस 2t इंटू 3 sin स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन 2t और साइन क्यूब टी ओवर मेरे पास वो है कॉस 2t पावर 3/2, ये बता था डी एक्स बाई टी टी। ऐसे ही मेरे पास डी वाई बाय डी टी की वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली थी तो मेरे पास आया था माइनस कॉस 2t, साथ में मेरे पास जो है 3 sin t कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन 2t और कॉस क्यूब टी ओवर सेम टर्म थी कॉस 2t पावर 3/2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमने डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है बेटा। अब जब हम डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करेंगे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना यहाँ पर, तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो बेटा मेरे पास हो गए डी वाई बाय डी एक्स। इफ आई सी हियर डी ऊपर कर लेते हैं कैलकुलेशन का, डी वाई बाय डी एक्स आपको पता डी वाई बाय डी टी ओवर डी एक्स बाय डी टी। ओके बेटा, अब डी वाई बाय डी टी मेरे पास ये क्वांटिटी है, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी ना नीचे सेम है वो कटी जाएगी ना, तो मैं नहीं लिखूं, मैं सीधा ऊपर क्वांटिटी माइनस जो है मेरे पास कॉस 2t 3 sin t कॉस, मैं ये भी रखूंगी, हाँ जी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी ओवर नीचे ये वाली टर्म आएगी कॉस 2t 3 sin स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन 2t sin³t। अब ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, चेक कर लेना कि हमने नोट सही किया। ओके बेटा, आप देखो इफ एनीथिंग इज कॉमन फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मेरे पास यहाँ पर बेटा कॉस टी कॉमन है, मैं कॉस टी कॉमन ले लेती हूँ, नीचे साइन टी कॉमन है मैं साइन टी कॉमन ले लेती हूँ, कॉस टी ओवर साइन टी। तो आप देखिए जब मैंने कॉमन लिया माइनस कॉस 2t ये 3 आगे लगा देती हूँ और मेरे पास जो है साइन टी कॉस टी ये बचा, स्क्वायर में से एक बाहर चला गया, प्लस मेरे पास जो है साइन 2t और कॉस टी स्क्वायर टी। डिनोमिनेटर में देखिए मेरे पास बेटा कॉस 2t 3 आ गया, साइन एक चला गया साइन टी कॉस टी, प्लस मेरे पास कॉस 2t sin² ये टर्म बेटा मेरे पास बच गई। ओके, अब बेटा देखो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ तो ऐसा करें कि मेरी कैलकुलेशंस
जो है और इजी की इजी हो जाए। मैंने ना मेरे को लगता है कि उतारते हुए कोई गड़बड़ी कर दी। अगर आप देखिए, चेक कर लेना बेटा, मैंने उस दिन जो कैलकुलेशंस की थी क्या बिल्कुल वही है मेरी कैलकुलेशंस? किसी में स्केयर आ रहा था, मैंने वो मिस कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। आई थिंक यहां पर तब स्केयर था। एक बार चेक कर लीजिए, आपके पास होगा बेटा उस दिन वाला, नहीं तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। चलो मैं आपको मेथड बता देती हूँ, माइट बी हमने स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी कर दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है कि ये टर्म्स कट जाए या कोई फॉर्मूला बन जाए, ठीक है? तो मैं क्या दिमाग में ले रही हूँ, अगर मैं देखूँ कोई और टर्म है जो मेरी कैंसल हो सकती है, इफ एनी अदर, कि कुछ और कॉमन आ रहा हूं, मैंने देखा ही नहीं कि मेरे पास कॉज स्केयर कॉमन आ सकता था, यहाँ पर जो है साइन स्केयर कॉमन आ सकता था, तो मैं स्केयर ही कॉमन ले लेती हूँ, मेरी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएंगी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास जो है ये कैंसल हो गया और ये हो गया। अब ये जो टर्म्स बची, तो बेटा उसके लिए जो है हाँ जी, अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, कॉस 2t है, साइन 2t है, कॉस 2t है, साइन 2t है। बेटा मैं क्या करूंगी, मैं दोनों जगह वैल्यूज पुट नहीं कर सकती हूँ? कि आप कहो कि अच्छा जी हम दोनों जगह वैल्यूज पुट कर दें, तो मेरे दिमाग में क्या रहना चाहिए कि मैं वैल्यूज ऐसी लगाऊं, साइन 2t का सेम ही वैल्यू फॉर्मूला होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉस 2t के मेरे पास होंगे तीन फॉर्मूलेज होते हैं, तो मैं कौन सा लगाऊं? मेरे माइंड में ये चीज सेट होनी चाहिए, बस यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूंगी। यहाँ पर बेटा अगर आपको आंसर चाहिए एग्जैक्ट मिनिमाइज का, तो ऊपर आप कॉस वाला फॉर्मूला लगाइए 2 cos kx - 1, और नीचे 2 जो है 1 - 2 sin² x वाला फॉर्मूला चेंज की, तभी आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते, अदरवाइज नहीं। यहाँ तो एक ही है 2 sin t cos t, ऑब्वियस है यहाँ पर भी टी की बात है। अगर कोई बच्चा ऊपर साइन वाला लगा देगा, नीचे कॉस वाला लगा देगा, तो कटिंग नहीं होगी बेटा। मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया, क्योंकि ऊपर कॉस की टर्म ज्यादा, इसके साथ साइन है, अगर मैं साइन वाला लगा दूंगी तो साइन की पावर इंक्रीज होगी, मैंने टर्म्स को काटना है। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो इसके साथ ऑलरेडी कॉज है ना, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, सभी ऊपर नीचे मेरी कैलकुलेशंस मिनिमाइज हो, ये सोच के मैंने अपने कॉन्सेप्ट को रखा। जब मैं अब यहाँ पर कर रही हूँ तो मेरे पास देखिए क्या बन गया, ये तो कॉट स्केयर बन गया ना, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। अब देखिए -3 2 cos² t -1 into sin t। मैं सिर्फ पहले ना न्यूमिनेटर वाली टर्म लिख देती हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, ओनली न्यूमिनेटर टर्म, प्लस यहाँ पर 2 sin t cos t, ये कॉस टी ऐसे का ऐसे ही है। अब देखिए ये cot² t, अब अंदर क्या बना, -6 cos² t +3, अच्छा साइन भी था, साइन भी साथ में ही लगा देते हैं, sin t + 3 sin t, यहां पर क्या बन गया +2 sin t cos² t। अब देखो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है,
अगर आप देखो साइन टी साइन टी साइन टी सब में से कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले सकते हो। कॉज स्क्वायर आपके पास हो गए वो कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो इकट्ठा ही, ताकि आपकी कैलकुलेशंस जो है उतनी मिनिमाइज हो जाए। तो मैंने क्या किया बेटा, देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि लाइक टर्म्स अगर हैं तो आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, ये और ये मेरे पास लाइक टर्म है, मैं इसको मिनिमाइज कर सकती हूँ। जब मैंने किया तो ये -6 + 2 -4 sin t cos t +3 sin t आ गए। अब कॉमन ले लो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन टी -4 मेरे पास cos t + 3 ठीक है बेटा। ये मैंने न्यूमिनेटर को सारा किया, अब डिनोमिनेटर को करते हैं। मेरे पास डिनोमिनेटर में टर्म क्या, ये वाली टर्म है, मैं ये सारा रब कर रही हूँ। कैलकुलेशन जरूर ज्यादा है बट हमें करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर ये जा चुका है क्योंकि न्यूमिनेटर में मैंने कॉट लिख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ इसको सॉल्व कर रही हूँ, 3 cos 2t cos t + sin 2t ओके बेटा। आई एम रबिंग दिस नाउ। अब देखिए क्या करूंगी, यहां पर 3 sin वाला फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको बोला था 1 - 2 sin² t हाफ एंगल का, ये cos t एज इट इज 2 sin t cos t लगा दिया बेटा। अब क्या करें, मेरे पास ये चेक कर लो कि sin 2t के साथ मेरे पास कोई टर्म तो नहीं बची हुई थी, जब मैंने साइन स्क्वेयर कॉमन लिया था साइन टी बचा हुआ था बेटा। अब ओपन कर लीजिए, देखिए जब आप ओपन करोगे 3 - 6 sin² t ये cos t है, तो यहाँ cos t भी आएगा यहाँ पर भी cos t आएगा +2 sin² t cos t ओके बेटा। देखो cos t सब में कॉमन है, टेक इट कॉमन। और जब आपने कॉमन लिया यहाँ 3 आ गया, ये और ये लाइक टर्म है, फिर ये -4 sin² t है। देखो दोनों चीजें मिनिमाइज हो गई। अब डिवाइड करते हैं, जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास एग्जैक्ट जो dy/dx बना उसमें क्या बना, cot² x sin t -4 cos² t + 3 ओवर, ये बना cos t और नीचे बना बेटा मेरे पास 3 - 4 sin² ओके बेटा। तो अब देखो ये साइन टेन बन गया ना, और इधर से एक कॉट टेन के साथ कट गया, बेसिकली एक कॉस टी ओवर साइन टी बचा, और ये टर्म एज इट इज इसको अंदर ले जाओ। जब आप अंदर ले जाओगे ना तो आप नेगेटिव कॉमन ले लेना, तो आप देखोगे ऊपर मेरे पास cos 3t का फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे sin 3t का, यही होता है ना 3 sin t -4 sin³t। और मेरे पास जो है cos का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos³t माइनस जो है वो क्या होता है 3 cos t। तो अपने यहाँ बेटा ऊपर cos 3t का फॉर्मूला, नीचे sin 3t का, और बाहर क्या है नेगेटिव, तो वो क्या आंसर आ गया -cot 3t -cot 3t। यहाँ हमने इतना बड़ा क्वेश्चन किया पेपर में MCQ टाइप आने, जिस बच्चे को इसका आंसर लर्न किया हुआ
उसने तो सीधा ही टिक कर देना। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आंसर एज इट इज आए तो पीछे, कोई यहाँ पर भी दे सकता है स्टेप, यहाँ तक आंसर प्रूव करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कोई किसी और स्टेप पे भी दे सकता है, इसीलिए कैलकुलेशन हमें फास्ट करनी पड़े ज्यादा से। ठीक है, पहली बार बताया कहाँ चेंज करना है कहाँ नहीं, उसके लिए आप टाइम लगेगा ही। ठीक है, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर, मेरे पास हो गए दैट इज 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो जल्दी हो जाता है, उसकी कैलकुलेशंस कम है, क्योंकि वैसे तो जब हम एमसीक्यू डालते हैं ना बेटा, उसमें इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जल्दी होने वाला हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस ना हो। बट कई बच्चों की मेमोरी आंसर लर्न करने में अच्छी होती है, तो वो जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, इफ मेरे पास वो है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाय टू और वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, तो बेटा मुझे डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना। तो कैसे करेंगे? सेम वे से, पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए डी वाई बाय डी टी ओवर डी एक्स बाय डी। ठीक है, अब मेरे पास जो है डी वाई बाय डी टी यानी उसका डेरिवेटिव, अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख रही हूँ, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गए ओवर, अब इसका ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, टी के साथ कर रहे हैं, टी है कोई चेंज रूल नहीं, यहां पर लॉग एक्स होना चाहिए था एस, बट एक्स की जगह टेन टी बाय टू है, तो टेन का भी डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर इनटू टेन एक्स होना चाहिए था या टी होना चाहिए था, टी बाय टू है उसका भी डेरिवेटिव वन बाय। आगे मैं बार बार कह रही हूँ कैलकुलेशन मिनिमाइज करना, आंसर को आपको आना चाहिए, टेन को साइन कॉस में चेंज करो, जो है सीकेंट को वन बाय कॉस में चेंज करो, कटिंग करो कॉस कॉस की, फिर देखिए क्या बनता है, ऑब्वियस है कॉस ओवर साइन वो कॉट बन जाएगी, वो कॉट बाय टू है, इधर साइन टी है, उसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करो ताकि कुछ कॉमन मिल जाए, क्योंकि एमसीक्यू में डिपेंड करेगा आंसर हाफ एंगल में दिया है डबल एंगल में दिया है कैसा दिया, तो आपको वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है जी, क्लियर टू एवरीवन? अब मेरे पास जो है 9th क्वेश्चन बहुत इजी है, 10th क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छा चलो 11th करके देखते हैं। अब देखो 11th लॉन्ग मेथड से भी है, एक शॉर्ट मेथड से भी है, टाइम सेव होगा अगर हम शॉर्ट मेथड यहाँ लर्न करेंगे। कैसे बेटा? 11th क्वेश्चन, इट इज गिवन टू मी, वाई इज इक्वल टू, हमें डी वाई बाय डी एक्स आपसे ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सॉल्व तो करके देखना ही पड़ेगा ना। अब यहां पर मैं आपको क्लियर कट बताऊं, मेरे दिमाग में ये आता था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मुझे पता है पाई बाय टू के इक्वल, नो डाउट, अब ये कट चुकी है आइडेंटिटी, सिलेबस में फर्स्ट एक्सरसाइज ही है, बट देखो यही इस क्वेश्चन को कैसे इजी कैलकुलेशन में चेंज कर, क्योंकि बिना यूज आइडेंटिटी किए भी ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, बट मुझे अपने आंसर को जल्दी कैलकुलेट करना है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स वाई मल्टीप्लाई में रूट के अंदर अंदर जो टर्म्स होती हैं वो कंबाइंड रूट के अंदर आ जाती है ऐसे, फिर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हुई, आपको मैंने अभी बताया
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पाई बाय टू होता है, ये तो सारा ही कांस्टेंट हो गया ना। मेरे पास क्या रह गया, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज रूट ए की पावर पाई बाय टू, है ना बेटे। अब डेरिवेटिव करो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज। मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म को इम्प्लिसिट फंक्शन में चेंज कर दिया, अब खुद सोचो। तो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वन ये आया, तो वाई डैश क्या है माइनस वाई बाय एक्स। ठीक है, आप दूसरी तरह से ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर दी कि हमारी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो। बात क्लियर हुई बेटा सबको, एनी डाउट टू एनी वन? चले बेटा आगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई रिस्पांस नहीं प्लस टू भी सी में से कोई नहीं, बस मैम बता रहे हैं ठीक है जी, कोई पूछना नहीं, कोई कुछ नहीं, सोए हुए हैं सारे? हाँ जी, नो रिस्पांस, तो यस मैम थम्स अप कर दो कि मुझे पता चले हाँ ये सुन रहे हैं। कोई रिस्पांस नहीं, बाकी सब सोए हुए हैं, सिर्फ लक्षित ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अच्छा जी हाँ बता दें मैम को, ये सुन रहे हैं हम। चलिए बेटा अब सेकंड ऑर्डर आगे थ्योरम्स जो मैं मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि लास्ट टाइम भी डिलीट हुई थी तो थ्योरम्स भी 100% जो हैं वो डिलीट हुई होंगी। ठीक है, तो हम उसको नहीं करेंगे, बट फिर भी एक बार हम पूरा आज ओवरव्यू लेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मंडे से शुरू करवाएंगे। ठीक है बेटा, टिल देन गुड बाय बेटा एंड टेक केयर।